असली हिटलर साहब मुद्दों से हटा के असली रावण नरेंद्र मोदी है, यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और राहुल गांधी जी को जो बदनाम करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने करी है, हम बताना चाहते हैं असली रावण तो नरेंद्र मोदी है। हमारे साथ जो है अलग ही वेशभूषा में DPCC कांग्रेस के बाहर मौजूद है। सबसे पहले मेरा सवाल है, आप कौन सी वेशभूषा में? वेशभूषा नहीं, जो चेहरा मोदी जी का है वो दिखाने आया है। आज मोदी जी ने जो अडंबर मचा रखा है, हाहाकार मचा रखी है। मेरा सवाल ये है कि आप क्या रावण के भेष में आए हैं, कुंभकर्ण के भेष में आए हैं? ये मोदी का रूप है जो आज लोगों की जनता को खा रहा है, बेरोजगारी को खा रहा है, महंगाई को खा रहा है और बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे। ये सिर्फ मोदी का रूप दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मोदी आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी को रावण बोलते हैं, लेकिन असली रावण हिंदुस्तान का स्तंभ जो है, जो संविधान की बात करता है, कब्रिस्तान की बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बढ़ता है, वो व्यक्ति बात करने वाला इनके प्रवक्ता और ये नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी जी का जो पोस्टर बनाएंगे, क्या आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। आप मीडिया के अंदर ऐसा प्रचार क्यों करते हो? आप उनको ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने हर मुद्दे पर मोदी की बात का जवाब दिया, उन्होंने हर मुद्दे पर जनता की बात को रखा? लेकिन नहीं, इनका सिर्फ कहना है मनगढ़ंत बातें करना और लोगों को गुमराह करना। मेरा सवाल और भी है, सवाल जरा ये है, कुछ लोग यहाँ पे राम का नाम ले रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी राम से तुलना कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी तो आज लोगों की जनता के बीच में है, वो तो गरीब के बीच में है, अमीर के बीच में, हर दुख दर्द में जाते हैं, हिंदू मुसलमान सबके बीच में जाके। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ लोगों पे फूट डालने का काम करते हैं, रोजगारी की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। क्या जरूरत पड़ी आपको इस वेशभूषा में? ये वेशभूषा नहीं है, आज जिस तरीके हिटलर शाही छाई हुई है, हिटलर शाही बढ़ रही है, उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी को जो है पोस्टर में रावण का दर्जा दिया गया है, वो अपने अपना चेहरा छुपाने के लिए राहुल गांधी जी को बदनाम करते हैं, उसी का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। असली रोज आज का जो रावण है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस पार्टी भी तो पीछे नहीं हटती ना सर, वो भी तो पार्टी ने, भारतीय जनता, कांग्रेस पार्टी हमेशा पोस्टर सहनशीलता की बात करती है, लोगों के विश्वास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है। पोस्टर तो कांग्रेस पार्टी भी बनाती है। कांग्रेस पार्टी ने हम तो असली चेहरा लाए हैं ना, जो हिटलर शाही जो इनसे कर रखी है उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आज हम उनके प्रदेश कार्यालय में जाएंगे और उनका असली चेहरा दिखाएंगे, असली रावण हिंदुस्तान में आप हो। आप ना रोजगार की बात करते हो, ना महंगाई की बात करते हो, ना बेरोजगारी की बात करते हो, आपका उन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। किसी सज्जन आदमी को जो लोगों के दुख में सुख में, गरीब के साथ, पेंटर कारपेंटर के साथ, मकैनिक के साथ, कुली के साथ, जो उनके दुख दर्द बांटता है, उसको बदनाम ना करें। राहुल गांधी ने, हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन वो हमेशा लोगों की बात रखती है, लोगों की बात को सुनता है, यही हम दिखाने आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं भारत को नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं राहुल। राहुल गांधी जी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई है, बस उन्होंने जनता की आवाज उठाई है, ये मनगढ़ंत बातें हैं मोदी को। राहुल गांधी जी का पोस्टर बना दिया, ठीक है, और आप भी सेम उसी कुछ गेटअप? बिल्कुल, उनका असली रूप यही है ना। कौन सी सेना है, किसकी सेना? बिल्कुल, ये जो है हम जवाब देने जा रहे हैं, ये जो है मोदी जी, ये मोदी जी को जवाब देने आएंगे। राम की सेना है, राहुल गांधी की सेना है, राहुल गांधी हमारे राम है, ये उनकी सेना है। आप मानते हैं? हाँ मानते हैं ना। देखिए, मैंने आपको, सेना किस चीज़ की होती है? जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, असली सेना वो होती है और वो जनता है। जनता 2024 में नरेंद्र मोदी को जवाब देने जा रही है, उसका असली चेहरा हिटलर शाही, तानाशाही, EDCB हर चीज़ का जवाब मांगेगी, ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए। जब पोस्टर देखा तो आपके मन में क्या कुछ आया? हमारे मन में ये आया, आपने राहुल गांधी जी को किस रूप में पेश किया? आप उनको उस कुली के रूप में पेश करो, कारपेंटर के रूप में पेश करो, लेकिन आप उन्हें रावण के रूप में पेश कर, ये तो दरअसल नाइंसाफी है ना सर, ये तो इनकी नाकामियां हैं। पीछे की वजह मानते हैं इसके? पीछे की वजह जो इनकी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरों मनगढ़ंत बातें ठोपना। सच्चा जा रहे हम जाएंगे BJP कार्यालय पर और ये जो है इनका असली चेहरा उनको देकर आएंगे कि आप असली का ही है, असली हिटलर साहब मुद्दों से हटा के असली रावण नरेंद्र मोदी है, यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और राहुल गांधी जी को जो बदनाम करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने करी है, हम बताना चाहते हैं असली रावण तो नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी रावण आज जो अपने अपने मुद्दों को हटा रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोजगार की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, उन मुद्दों से हटाने के लिए वो ऊट पटांग बातें करते हैं। और राहुल गांधी जो हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान खोली थी उसको बदनाम करते हैं, यही दिखाने के लिए राहुल गांधी हमारे आज के जो मसीहा हैं वो हिंदुस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हिटलर शाही कर रहे हैं, यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी लोग मुख्य आते हैं, वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं।
पप्पू बोल रहे हैं। देखिए जब जब नरेंद्र मोदी डरता है पुलिस को, वो हमेशा ऊटपटांगे बातें करता है। राहुल गांधी ने हमेशा जनता की आवाज उठाई है, जनता की बात को सुना है और जनता की बात को हर मुद्दे पे जाके लड़ा है। भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा से आज मोदी एंड कंपनी घबराई हुई है और वो ध्यान भटकाने के लिए आज हमारे माननीय राहुल गांधी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि असलियत में जो है रावण मोदी है, मोदी है। ईडी सीबीआई ये सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के, कांग्रेस कार्यकर्ता को कमजोर करने के, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरे थे चोरों से और ना डरेंगे चोरों से। क्या लगता है कि पांच राज्यों में बिल्कुल नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आज वो कमल की बात करते हैं। अरे कमल ने तो आज हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको याद करना चाहिए आज युवाओं की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, लेकिन वो बात करते हैं ऊट पटांग सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। राहुल गांधी जहाँ पर जाते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं पर मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के हर कोने में जाके सिर्फ युवाओं की बात और बेरोजगारी को बात करते हैं, महिलाओं की बात। आप रोज डिबेट देखते हैं, डिबेट के अंदर देखिए हमारी महिलाओं के साथ किस तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता है बदतमीजी करते हैं, ये सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला आरक्षण की बात रखी है, जब वो और वो उस बात को आइए इनके राज में कहा गया, लेकिन वो 2029 तक बात नहीं रखी जाएगी और हर बात का जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी उनके बीच मजबूरन में जो है समर्थन देना पड़ा बिल पर। किस चीज की मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है, हमने तो पहले भी अपनी बात राज्यसभा के अंदर रखी थी और लेकिन राज्यसभा का वही वाला बिल पास कराते, लेकिन लोकसभा में करके आज महिलाओं को इन्होंने 10 साल के लिए और पीछे करा। नहीं तो जो 2024 का इलेक्शन था उसमें महिलाओं की भागीदारी 35 से 40% होती। देखिए आज मोदी जी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, वो लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, वो मुद्दों की बात नहीं करते। आज हिटलर शाही कौन कर रहा है? आज क्या ना बेरोजगारी की, बेरोजगारी किसने फैलाई, रोजगार कम किसने किए? ये सिर्फ राहुल गांधी जी को ध्यान भटकाने के लिए आज जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, चाहे वो हिंदुस्तान के हर कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक, लेकिन आज ध्यान भटकाने के लिए आज राहुल जी को रावण बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आज हिंदुस्तान की जनता के बीच के दिलों में रहते हैं, ये हम बताने आए हैं। बीजेपी के अनुसार तो रावण की सेना हुई ना, कौन किस तरीके से राहुल गांधी को, राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी किस चीज की बात करते हैं? युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करें, अडानी की बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना मोदी जी किस विषय पर बात करते हैं? वो किसी विषय की बात नहीं करते, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए। असली रावण ये है, ये देखिए आप, ये जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रखा है, हिंदू का मुसलमान से लड़ा रखा है, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा रखा है, सिर्फ यही इन लोगों ने करा है और यही दिखाने के लिए यहाँ पर आए। आप बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नहीं नहीं आपने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है।